पत्नी और उसके घर में संतान का सुख नहीं है। उसके घर में औलाद का सुख नहीं है। कलकत्ता में कहा था उसने एक काम बड़ा विचित्र करा। कौन सा काम करा? वंश को बढ़ाने का सबसे सुंदर तरीका है। क्या तरीका है? जम के बोलो, बेलपत्री के वृक्ष को रोपित करना, बेलपत्र के वृक्ष को लगाना। यहां जितने बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक ग्रुप पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग इस पवित्र कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं, उनसे एक बात जरूर कहेंगे कि बेलपत्र का वृक्ष, ये जरूरी नहीं कि आपके घर में औलाद है तो आप बेलपत्री का वृक्ष नहीं लगाएंगे। आपके घर में भरा पूरा परिवार है तो आप बेलपत्री का वृक्ष नहीं लगाएंगे। ना, शिवपुराण कहती है अपने परिवार की कई पीढ़ियों को तारने के लिए एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए बेलपत्र। एक वृक्ष बेलपत्र का अवश्य लगा, और इतना छोटा सा वृक्ष नहीं जिसको रोपित कर दिया और बाद में बकरी खा गई। बहुत सारा वृक्षारोपण होता है, बहुत सारा, और बहुत सारे वृक्षारोपण में, बहुत सारे वृक्षारोपण जब होता है, उस वृक्षारोपण में जब वृक्षारोपण किया जाता है तब तो मालूम पड़े बहुत खर्चा भी होता है, सारी व्यवस्था भी होती है, सब कुछ होता है, फोटो भी बहुत सारे खिंचाते हैं, और बाद में उस वहां से निकल कर जाओ तो मालूम पड़ता है वो वृक्ष ही गायब हो जाता है। ऐसा वृक्षारोपण नहीं चाहिए। जो मुख से निकला, जो आपने किया वो दिखना भी चाहिए, जो आपने किया उसको दिखाना भी चाहिए, उसको दिखना भी चाहिए। अपना किया गया कर्म अगर दिखे ना तो उसकी कोई श्रेष्ठता नहीं। महाराज, यहां कुबेरेश्वर धाम पर सामने जो रोड है, अभी आप लोग जिस रोड पर चल रहे होंगे ये पक्की बन गई, मैं माननीय सीहोर विधायक सुदेश जी राय जी को इसलिए धन्यवाद दूंगा क्योंकि हमने जब उनसे कहा कि ये रोड का नापतोल सही नहीं हो रहा है और ये रोड जो है ठीक नहीं है, फिर वो बैठे साथ में माननीय कलेक्टर महोदय को धन्यवाद दूंगा सीहोर के, जिन्होंने फिर इस रोड के लिए मैप तैयार किया। हमारे बीच में विधायक जी की धर्मपत्नी यहां विराजमान है, उनको भी धन्यवाद साझा। माननीय कलेक्टर महोदय जी ने इस रोड मैप को तैयार करा और रोड मैप तैयार होकर फिर ये भोपाल गया और भोपाल से सील साइन होकर फिर यहां आया। जो ये रुचि, ये जो रुचि माननीय कलेक्टर महोदय जी को, ये जो रुचि उत्पन्न हुई इस रोड के निर्माण की माननीय विधायक महोदय जी को, एसडीएम जी को, एसपी सर को, जो कमिश्नर आधिकारिक जितने भी अधिकारी हैं, उन्होंने इसको जब निश्चित किया तो वो सामने दिखा। आप जितना करते हैं वो सम्मुख में दिखना चाहिए। एक वृक्ष लगाओ, दस लगाने की जरूरत नहीं है। कितना लगाओ? जम के बोले जरा एक, पर निवेदन तुमसे इतना सा है कि वो एक वृक्ष तुम्हारा साल में दिखना चाहिए।
अगर वो एक वृक्ष भी ना दिखे ना तो उसका जीवन का कोई तत्व नहीं। फिर तुमने 10 वृक्ष लगाए कोई काम के नहीं। एक अच्छे से लगाओ, थोड़ा बड़ा करिए, रोपित करिए, उसको बड़ा करने के बाद उसको फिर कहीं। तो जरूरी नहीं कि मंदिर में लगाना जरूरी है, जरूरी नहीं कि तुम्हारे बगीचे में लगाना जरूरी है, जरूरी नहीं कि गार्डन में लगाना जरूरी है। बेलपत्री का वृक्ष तुम चलते चलते किसी रास्ते से निकल कर जा रहे हो, गाड़ी में रख लीजिए, उसके चलते चलते रोड के किनारे पर थोड़ा सा खड्डा खोद कर जहां पर पानी, तालाब, नदी, कोई स्थान ऐसा दिखे कि तुम पानी डालने भी नहीं आ सकते, तो ये तालाब का पानी, नहर का पानी, नदी का पानी, कुएं का पानी, कोई ढोलेगा, कोई हैंडपंप का पानी कुछ निकलेगा तो वहां वो पानी पहुंच जाएगा। ऐसी जगह पर लगाओ कि दूसरी बार निकलो तो उस पेड़ की छांव में आप बैठकर जीवन का आनंद पा सकते। उस वृक्ष की छांव में बैठकर